अंधे हो क्या? Can't you see? सॉरी गलती से. सॉरी माय फुट. डिस्को. एक्सक्यूज मी. एक तो गलती करते हो ऊपर से बहस करते हो. हिमान इट्स ओके आई एम सॉरी. अजी अब तो हाँ मैं आपसे बाद में मिलता हूँ. मैं थोड़ी जल्दी में. जी वो औरत है. कौन? कोई नहीं थी, कोई पागल औरत. अच्छा चलो जल्दी चलो. कितनी शांति क्यों है? लगता है मेरे आने की खबर पहले ही हो गई और अभी को पहले जान ली. हाँ जी आप अभिषेक मेरा से मिल रहे हैं? हाँ जी मैं उनकी वाइफ हूँ. आइए मेरे साथ. देखो अभी तो मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीता भी नहीं मैंने और इतनी इज्जत मिल रही है. सोचो अगर जीत गई तो कितनी इज्जत मिलेगी. ये इज्जत अभी के नाम की वजह से मिल रही है. लॉयर का फोन, मैं बात करके आता हूँ. और हाँ जैसा समझाए वैसा ही कर. मैं कैसे अभी को बाहर निकालती हूँ फिर तुम्हें पता चलेगा कि ब्यूटी विद ड्रीम किसे कहते हैं. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर. आपने इन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर तो नहीं दिया ना? नहीं लेकिन तुम्हारा यहाँ आकर ये सवाल करना किसी फोर्थ डिग्री से कम नहीं है. अभी ऐसा मजाक घर पे किया करो, यहाँ पे नहीं. ओके मैं मजाक नहीं कर रहा. इंस्पेक्टर मैं मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ. ये मेरे हस्बैंड है, रॉक स्टार है. इसलिए अभी थोड़े अजीब लग रहे हैं क्योंकि प्रॉपर शेव वेव नहीं किया हुआ है और वैसे ही बड़े क्यूट है, बिल्कुल स्कूल किड के. अरे सुशांत कैसा है तू? अरे पूरा यहाँ कैसे? मैं यहाँ अपने बड़े भाई और एक बहुत अच्छे इंसान को लेने आया. The rock star. हाँ यही रॉक स्टार जो मेरा सब कुछ है. इंस्पेक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे. Can I use the washroom? Sure. आगे से सेकंड रेड. I saw it. मिश्रा जी सर एक पानी की बोतल भिजवा देना. यस सर. कहाँ है मिस्टर सिंह? यहीं पे तो थे सर, पता नहीं कहाँ चले गए. एक्सक्यूज मी किंग सर कहाँ पे? वो उस तरफ बैठो. थैंक यू. इट्स नॉट माय फॉल्ट. हमारी गलती नहीं है. प्लीज चुप रहिए प्लीज. और उसका क्या? He came and crashed my car. उसने जानबूझकर हमारी गाड़ी से टक्कर लगाई. He's insecure, पर क्या? Please, please, आप बस इस वक्त चुप रहिए. Please. He's injured me. वो jealous है, क्योंकि हमें better contract मिला है. वो जानबूझकर कर रहा है. I am not going to leave him. मतलब आपने कुछ किया उस? No, पर क्या? सारी गलती है उस अपनी. आपको तो सिंगर के साथ जो भी करना है ना, आप प्लीज प्लीज इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के बात कीजिए. You realize the seriousness of all this. इंडिया में आपका अरेस्ट होना कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है. प्रज्ञा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ. यही तो वो चाहता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ खराब हो जाए, मेरा फेम मेरा नेम सब खराब हो जाए. तो जो वो चाहता है वो आप क्यों कर रहे हैं? सोच कर देखिए. फॉर द सेक ऑफ योर करियर, आपके नाम, आपके करियर, कियारा के लिए प्लीज चुप रहिए. लेट मी हैंडल दिस. ओके मैं कुछ नहीं कहूंगा. विल हैंडल दिस फॉर यू. तरुण तुम इनके साथ है ना? मैं इंस्पेक्टर से बात करके आती वो, इनका वो मतलब नहीं था. अरे जब बात घूम फिर के इनमें यहीं पे आने वाली कि कितना मिलेगा तो अभी से ही बात कर लेते हैं ना, टाइम क्यों वेस्ट करना है. और देखिए इंस्पेक्टर मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मुझे 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. तो प्लीज जल्दी बताइए क्या कर.
एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, चलो तो मेरे साथ चलो। तुम क्या बोले जा रही हो, पीकर आई हो क्या? पी नहीं है मैंने, सोबर हूं। हर पीने वाला ना यही कहता है। देखो अगर तुम्हें कल के न्यूज़पेपर में अभी के अरेस्ट होने की न्यूज देखनी है तो जाओ, तुम जाकर बात कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें मिस्टर इंडिया बनना है ना तो बन जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो कह रहे हो ना वो करके भी दिखाना। मेरे भी कोई रेपुटेशन का सवाल है, बाहर लोग क्या कहेंगे? देखो इसका पति ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया, तो सब कुछ अच्छे से करना। गॉट इट? मैं डील कर लूंगा, तुम बस चुप रहना प्लीज। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन अभी को जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल। आइडिया उसे चाहिए था, आइडिया मैंने दिया। मान बनने का शौक है ना, करेगा वही जो मैंने उसे कहा। अगर मिसेस इंडिया नहीं बनना होता ना तो मुंह तोड़ जवाब देती इसको। लेकिन तनु स्माइल, टेंशन लगी तो रिंकल्स आएंगे, सो नो स्माइल, मिलियन डॉलर स्माइल। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? कानून अंधा होता है मैडम। कानून अंधा होता है? कानून के रखवाले अंधे नहीं होते। अभी चोट लग जाती तो? देखो मैं जब मिसेस इंडिया बनूंगी ना, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ कुछ नहीं दूंगी। यूजलेस पीपल। सॉरी? थैंक यू नहीं कहूंगी। सॉरी ही कहा जाता है डम्बो। एक चीज कम यूज करती है शायद आप, या फिर है ही नहीं। मजाक उड़ा रही हो मेरा? मजाक का क्या मजाक उड़ाना? तुम्हारी ना कंप्लेन करूंगी मैं। क्या लिखेंगे कंप्लेन? एक तो यहाँ रात को पुलिस स्टेशन में बुला के मुझे परेशान कर रहे हो, ऊपर से गुस्सा दिला के ना मेरा दिमाग खराब मत करो। यहाँ आना तो अपना गुस्सा अपने घर छोड़ के आना। मैं तुम्हारी दोस्त या नौकर नहीं हूँ जो सब सुन लूंगी। मेरी दोस्त बनने के लिए ना अपना क्लास बढ़ाना पड़ेगा। मैं बन भी नहीं सकती क्योंकि मेरी क्लास तुमसे बहुत बड़ी है। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। किस बात की कंप्लेन करूंगी? कि मैंने तुमसे ऑटोग्राफ नहीं मांगा? ज्यादा बोली ना तो झूठे केस में 5 साल की सजा लगवा दूंगी। अब तो तुम्हारी नौकरी पक्का गई। सरकारी नौकरी है मैडम, ऐसे ही नहीं जाती। पर तू संभल के रहे, मेरे मुंह लगी ना तो इस जेल में रात काटनी मुश्किल हो जाएंगी। नहीं तनु स्माइल, नो टेंशन। आप जो कह रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड पे केस मत फाइल कीजिए। उनकी इमेज, उनका करियर सब खराब हो सकता है। आप बस एक चांस दे दीजिए प्लीज। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप अगर उन्हें एक वार्निंग देकर इस बार छोड़ देते हैं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। वैसे तुम इनकी गारंटी ले रही हो इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। वैसे मैं इन्हें पकड़ता नहीं, बट तुम समझ सकते हो, आफ्टर ऑल ड्यूटी भी करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो अभी घर चलते हैं। आपको इनकी गारंटी की वजह से छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखिए आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि हर पुलिस वाला आपका फैन नहीं होता। पूरा तुम अभी को लेकर बाहर आओ, तब तक मैं घर पे फोन करके बोल देती हूँ कि मैंने अभी को छुड़ा लिया। ओके पूरा साइन कर दे। हाँ श्योर। हेलो, क्या हुआ? मीडिया वाले आए बाहर। व्हाट? अभी जल्दी घर चल, कम ऑन लेट्स गो। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं सिर्फ आपके कहने पर इन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप उनसे कहिएगा कि आइंदा थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है? और कुछ पेपर्स हैं उन पर आप उनके साइन करवा दीजिए। शुक्ला जी, अब शुक्ला जी आप इन्हें लेकर जाइए। थैंक यू सो मच। पता है भगवान जन्म के वक्त ही सबके भाग्य लिखते हैं, लेकिन हमारा भाग्य इस कुमकुम ने लिखा है और हमेशा के लिए जुड़ती है। आप मेरा आज है, कल थे और हमेशा रहेंगे। प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड पे केस मत फाइल कीजिए। पूरा गाड़ी रोक। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोक पूरा, अभी यहाँ सारा मीडिया है तेरे पीछे पड़ जाएगा, मैं थोड़ा आगे जाके रोकता हूँ। गाड़ी रोकता है अभी, क्या कर रहा है तू? अभी कहाँ जा रहा है? अभी अभी कहाँ जा रहा है यार तू, कहाँ जा रहा है? पूरब
कब कैसे क्यों, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए पूरा, और उसके लिए मुझे उससे बात करनी होगी। अरे अभी हुआ क्या है, मुझे कुछ बताएगा? ऐसे कैसे हो सकता है पूरा? क्या नहीं हो सकता है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे उससे बात करनी होगी, कुछ जवाब चाहिए मुझे। अभी तू मुझे बताएगा यार क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है पूरा, अगर यही चलता रहा मैं पागल हो जाऊंगा, इससे पहले मुझे उससे बात करनी होगी। अभी अभी मेरी अभी कहाँ गया? पता नहीं किन सवालों के जवाब चाहिए इसे, अगर मीडिया ने इसे देख लिया तो पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछेगी इसे। चलो मैं भी। आउच, आउच। क्या हुआ? मेरी हील्स टूट गई, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पूरा। तनु इस वक्त तुम्हारी हील से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी है, मुझे डर है कि वो कोई नया इशू ना खड़ा कर। तुम जाकर ड्राइवर से कहोगे गाड़ी निकालने के लिए। ओके जी, मैं जाता। थैंक यू। अब तो मैं उस आदमी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। आपकी पसंद नापसंद का हर्जाना मुझे देना पड़ता, क्या जरूरत थी उसे लड़ने? प्रज्ञा, मैंने लड़ाई नहीं की, वो जानबूझकर आकर मेरी गाड़ी से टकराया था। अब वो आदमी जिद्दी बन रहा है। वो जिद्दी है, अकड़ू है, पत्तमी से। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो वो कर रहा है अगर वही आप कर रहे हैं तो आप दोनों में फर्क ही क्या रह गया? और इतनी रात गए रोड साइड फाइट करना आपकी इमेज को सूट करता है? तो कोई मुझे रोड पर आधी रात को रोक के चैलेंज करे, उसका कुछ ना करूं? आप इतनी रात को रोड पे अकेले कर क्या रहे थे? आपकी कोई मीटिंग थी? नहीं, कोई जरूरी काम था? नहीं। प्रज्ञा तुम मुझे नहीं, मिसेस आपको अपनी हरकतें बंद करनी होगी, क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता है और मुझसे और झूठ बोला नहीं जाएगा। तुम मुझे समझने की कोशिश क्या भी नहीं। इतनी रात गए आप शराब पीकर रास्ते पे गाड़ी चला रहे, मैं क्या समझूं? आप समझिए खुद, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की तरफ, अपने फैंस की तरफ। आपके फैंस आपको आइडियलाइज करते हैं मिस्टर सिंह, कल को वो भी रात को शराब पी के सड़क पे गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट्स करेंगे, आपको कैसा लगेगा? यू आर वैलिडेटिंग ऑल दिस, आपको खुद को बदलना होगा। चलिए मैं मान भी लेती हूँ कि उसकी गलती है, लेकिन आप खुद क्या करते हैं? आप अपसेट होकर शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद सब कुछ अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे मिस्टर सिंह मैं मैनेजर हूँ आपकी, आपका काम संभालना मेरी ड्यूटी, आपको संभालना मेरी ड्यूटी नहीं। मैं हर बार झूठ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कियारा को आपने अपना नाम दिया, कि बहुत बड़ा एहसान है हम दोनों। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने एहसान किया है मुझ पर, मैं हमेशा चुप रहूंगी, ऐसा नहीं होगा। आप खुद अपने साथ गलत करते रहेंगे और मैं चुप रहूंगी, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली मुझे इतना सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप खुद अपनी गलती मान लें। मेरी गलती है या मेरी गलती नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुमसे लेक्चर की जरूरत नहीं है मुझे। रखे जानते हैं तो बहस क्यों कर रहे हैं? चलिए कियारा के लिए नहीं, अपने करियर के लिए तो सही बदल जाइए, वो करियर जिसे इतनी मेहनत से आपने बनाया है, आपकी एक गलती की वजह से ना वो सब खत्म हो जाएगा। करियर भी तो मेरा है, फैंस भी तो आपके है ना, आज जो भाग भाग कर आपके पास आते हैं आपके ऑटोग्राफ के लिए, कल के दिन गायब हो जाएंगे। जिंदगी मौका देती है लेकिन कब धोखा दे दी इसका पता नहीं, इसलिए प्लीज खुद को संभालिए। संभाल लूं, After all, it is my life. और लाइफ भी तो मेरी ही है। और वो लाइफ चार मिनट की नहीं है आपके गानों की तरह, उसे जीने में बनाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आप किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बदल जाए, वरना ऐसा ना हो कि कल आपका ये आज आपके सामने खड़ा होकर आप तक बस रहा, तो तब ना मैं कुछ कर पाऊंगी ना किसी से झूठ बोल पाऊंगा। तरुण अभी रहने दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। Yes, leave me alone. मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। Go, please. तुम सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तरुण बिलीव मी, अभी वो होटल में है, हमारे सामने कुछ नहीं होगा। Okay. And thank you.
मैंने कहा था तुमसे कि तुम उनके साथ रहना और सारे दिन तुम मिस्टर सिंह के साथ थे। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। दी, मैंने कोई जॉब नहीं किया। आखिर है तो मेरे भाई ना। ऊपर से मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। He's my idol। लोग उनके पास नहीं जा पाते। मैं तो उनके साथ रहता हूँ। और थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने मुझे उनके साथ रहने को कहा। थैंक यू दी। चलो ठीक है, न तुम्हारा थैंक यू न मेरा थैंक यू। हम दोनों ने ठीक ठाक काम कर लिया। अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जो लोग नहीं बदलते ना, मैं उनकी लाइफ बदल देता हूं। तुम्हारी भी बदलूंगा। रियल लाइफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूर करूंगा। That's a promise. क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरी लाइफ भी नहीं, मेरे दिमाग में भी घुसता जा रहा है। गाड़ी को इसने ठोका है और पहले भी ठोकने की कोशिश की थी बट ही वाज अनसक्सेसफुल। मेरी गलती थी क्योंकि मैंने ड्रिंक किया। गुड नाइट। अरे सुनो। हाँ जी। ओए ओए, पता है जब तुम्हें हाजी बोलते हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो। और ये गुड नाइट बोलकर कहाँ जाए? अब जब तक तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तब तक गुड नाइट कैसे हो? छूट मुड़कर गिटार पकड़ के रॉक शो करती। पूरे 5 महीने मैंने उस घर में तुम्हारा इंतजार किया। खुद को तसल्ली थी कि शायद तुम रास्ता भूल गई हो, लेकिन तुमने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। एक नया जीवन साथी मिल गया ना तुम्हें। बताया आज जब मैंने तुम्हें देखा ना तो मुझे वो सुकून मिला जो आज तक नहीं मिला मुझे, जो मैं खो चुका था। तुम्हारी एक झलक से मुझे लगा कि हाँ मैं जीऊंगा। लेकिन तुम जहर लेकर आई थी। तुम किसी और की हो गई। काश कि तुम्हारी शादी भी मेरी शादी की तरह एक समझौता होती। कुमकुम को सुहागंध का ताज कहने वाली ने कुमकुम को राख में मिला लिया। यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। आई हेट यू फुकी। आई हेट यू जस्टिस। आई हेट यू। आई हेट यू। डोंट यू इन माय लाइफ। पता है वो कहाँ है? कहाँ है? नीचे। नीचे क्यों गई है? To get all the papers ready? मुझे सारे papers ठीक ठाक चाहिए। चाची जी गई है उसके साथ? नहीं, वो अकेली गई है। Don't worry, मुझसे पूछ कर गई है। पूछ कर गई? अकेली गई है? आपने जाने दिया? आप एक बार सारे papers मुझे email कर दीजिए।
मैं उन्हें पढ़ूंगा. If everything is all right, I'll come in, I'll sign. Meeting will be over. Yeah, okay. आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये घर नहीं है कि केयरटेकर्स हैं उसके साथ. होटल है. इतने सारे स्ट्रेंजर्स आते हैं यहाँ पे. वो अपनी एक तो न्यूज में भी आए दिन उल्टी सीधी खबरें आती रहती है. पता नहीं क्या क्या होता रहता है बच्चों के साथ. I'll call you back. Listen, she's a smart girl. इसे कुछ नहीं होगा. Smart girl? वो बच्ची है. वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती है. That's why अब मैं खुद जाकर चेक करती हूँ. या तो मैं यहाँ आके बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ या तो प्रक्रिया आजकल मुझे बहुत डांटने लग गई है. डांटती तो वो मुझे पहले भी थी लेकिन अब तो हर छोटी बात पे. जब से उस ईगोइस्ट से मिला हूँ तब से दिमाग नहीं चल रहा है. सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है. आले से पूछ ले आज का प्लान क्या है. मैं ऊपर. मुझसे अब भी अपसेट है क्या? मैंने हाय बोला और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया. हो सकता है लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और ही है. Something important. Excuse me? What do you mean by that? मैं important नहीं हूँ? तुम important हो लेकिन तुमसे ज्यादा भी कुछ important है. और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो important चीजें जल्दी से शेयर नहीं करता है. पूरब. हाँ आया. हाँ अभी यार मीटिंग कहाँ पर है? हाय मैं जरा उन्हें फोन करके चेक करती हूँ कि वो कहाँ गए. कहाँ है मतलब? अभी तो वो लोग आए नहीं. नहीं नहीं आ गए हैं. आई मीन आई जस्ट हैव टू चेक किस फ्लोर पर है. आई बी बैक. कल रात से परेशान है. मुझे भी नहीं बताएगा क्या बात है. 7 साल हो गए हमारी शादी को. मैं उनकी साइड से इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ. आज मैं तुझे जवाब नहीं दे पाऊंगा. एक्सक्यूज मी, मुझे भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है. अच्छा क्या एक्टिविटी करती हैं आप? कौन सी करवाते हैं? स्मार्ट हाँ. वेल वी हैव कैरम, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्केटिंग एंड. आपके पास स्केटिंग भी है? यस. मुझे स्केटिंग करनी है. कब तक आऊं मैं? आधे घंटे में. यहाँ नाम और रूम नंबर लिख दीजिए मेरा. ठीक है. बट आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? उन्हें तो स्केटिंग आती नहीं. उन्हें स्केटिंग के लिए नहीं आना है, उन्हें साइन करने के लिए आना पड़ेगा. उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी क्या कर रही है. एंड रिमेम्बर आधे घंटे में एनरोलमेंट बंद हो जाएगा. सो गो फास्ट एंड ब्रिंग योर पेरेंट्स. ओके मैं अभी लाती हूं. रिसेप्शन? यस. 1005 पे कॉल करना प्लीज. ओके श्योर. नाइस नेम. सिर्फ नाम अच्छा है, मेरी डॉल नाइस नहीं है. अरे तुम्हारी डॉल तो बहुत नाइस है, फर्स्ट क्लास है. ओके फाइन. आपको अच्छी लगी? अरे बहुत अच्छी लगी. आपको वो बहुत अच्छी लगी इसलिए क्योंकि आपको मुझे वापस नहीं देना चाहते, पर मुझे मेरी कुकी वापस चाहिए. यू डॉल चोर. व्हाट डॉल चोर? मैंने तुम्हारे डॉल वॉर नहीं चुराया. तुम वो गाड़ी में भूल कर चली गई थी उस दिन. डॉल चोर. अब याद दिला रही हूँ ना. चलो वापस करो मेरी कुकी. वापस करूंगा पर अभी कुकी मेरे पास नहीं है. कुकी तो घर पे है ना. तो मैं एक काम करता हूँ, अगली बार जब मैं इस होटल में आऊंगा तो कुकी को अपने साथ ले आऊंगा. ओके इधर को ना कि कुकी को और एक दिन अपने साथ रखना चाहते हो? हाँ कुकी तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं उसे अपने पास एक और दिन रखना चाहता हूँ. और डेविड कुकी के लिए आपको भी मेरा एक फेवर करना होगा. कुछ ज्यादा बड़ा नहीं. क्या है फेवर? आपको एक दिन के लिए मेरा पापा बनना पड़ेगा. पापा? सी मुझे ना एक्टिविटीज करनी है और मेरे पापा यहाँ नहीं है. उसके लिए मुझे उनके साइन चाहिए और सिर्फ आधा घंटा बचा है. अगर आप साइन दे सकते हो तो. ये बात.
करवाओगे ना? कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? तुम मुझे एक बार पापा कह के बुला। Why not? Thanks. अभी थैंक्स क्यों बोल रहे हो? बोलने के बाद बोलना ना। ओके। पॉप्स। मैं डैडी को डैडा बुलाती हूँ और पापा को पॉप। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? ओके। पापा। मामा को पता चला कि मैंने एक और नकली डैडा बना लिया तो मामा बहुत गुस्सा हो गए। ये सेकंड किस इसलिए कि आप मामा को बताना मत कि मैंने एक और नकली डैडा बना लिए। हमारी झूठ पकड़ी जाए तब भी नहीं। ओके। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। नहीं बताऊंगा तुम्हारी मम्मा को कि मैं पप्स, मैं पापा हूँ। ओके। और तुम? पिंक। तो फिर हम फॉर्म भरने चले पापा? मेरी खोपड़ी मुझे मिस करती है ना? हाँ, और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कम ऑन। क्या हुआ? फिर से प्रॉब्लम में हो? हाँ, गलती भी तो की है। मुझे मम्मा की बात माननी चाहिए थी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। तुम अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मानती हो? तुम्हारी मम्मा ने कहा था ना तुमसे कि डोंट किस स्ट्रेंजर्स, फिर भी तुमने मुझे किस किया। स्ट्रेंजर को किस करने से मना किया था? हाँ, फ्रेंड को नहीं। हाँ, फ्रेंड? हाँ, आप मेरे 50% दोस्त हो। अगर मैं तुम्हारा 50% दोस्त हूँ तो फिर 50% क्या हूँ? 50% और छोड़, अगर आप मेरी कुकी वापस कर दोगे तो 100% दोस्त बन जाओगे। चलो, मैं तुम्हारा 50% फ्रेंड हूँ तो मैं 50% मतलब हाफ हेल्प कर सकता हूँ। हाफ हेल्प? मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर सकता हूँ कि वो तुम्हें कम डांटे, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। इन योर ड्रीम्स? हाँ, मेरी मम्मा से मिले नहीं हूँ, स्वीट है पर गुस्सा आने पर करेले से भी कड़वी। टीचर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ऐसी पनिशमेंट देती है कि बड़े से बड़ा आदमी डर जाए। पर आप तो डॉल जरूर डेफिनेटली डर जाओ। हेलो देयर एंग्री बर्ड, मैं तुम्हारी मम्मा को हैंडल कर लूंगा। ऑलराइट, रहने दो, ऐसी डांट पड़ेगी ना आपको, रो पड़ोगे। रोना और मुझे कॉन्फिडेंस फिर मिलवा दू। अब तो तुम मिलवा ही दो। ओके। हेलो, हाँ मैं बस पूछ रहा हूँ। ओके, बाद में मिलेंगे उनसे, मैं जा रहा हूं ऊपर। कम ऑन। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।